जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में छोटे बच्चों को हर रोज़ मिड डे मील दिया जाता है, यानी कि उनको पका के खाना जो है रोज़ दिया जाता है। और जब से कोरोना चल रहा है, सारे के सारे स्कूल्स बंद हैं। इस कारण दिल्ली सरकार ने ये पहल की कि उन बच्चों के हिस्से का मिड डे मील के अवज़ में जो सूखा राशन है, ड्राई राशन है, वो उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बुला के उनको दिया जाए। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं, उन्होंने पिछले साल भी ड्राई राशन अपने स्कूल के बच्चों को दिया और इस साल भी ये चल रहा है। हैरानी की बात है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी कि नॉर्थ एमसीडी ने एक भी बच्चे को अब तक राशन नहीं बांटा है। बहुत शर्म की बात है कि करीब 3.5 लाख बच्चे जो हैं, 700 स्कूल बताए जाते हैं सात उनके, सौ करीब 700 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चे जो है उनको राशन नहीं मिल रहा है। और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जिनको अब तक 2,924 क्विंटल राशन बांट देना था, उन्होंने अब तक 1 किलो राशन भी नहीं बांटा है। हमने इस संदर्भ में फरवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आपने राशन नहीं बांटा है, आप जल्द से जल्द बच्चों को राशन बांटिए। और फिर एमसीडी की तरफ से कहा गया था, भाजपा की तरफ से कहा गया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब जुलाई के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोबारा कर रहे हैं, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, और अभी भी एक भी बच्चे को, इस साल का तो दूर, पिछले साल का भी, 2020 2021 का भी जो राशन था वो अभी तक नहीं बांटा है। हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सवाल करना चाहते हैं कि इसका जवाब दें। दूसरी बात, कल हमने भाजपा के एक विधायक, गांधीनगर से आते हैं अनिल वाजपेयी, की एक ऑडियो क्लिप आपके सामने जारी की, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि कैसे एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, कि जो आदमी रिश्वत के पैसे देता है वही मकान बना सकता है, वरना एमसीडी उसके मकान को डिमोलिश कर देती है। आज जब मैंने अखबार पढ़े तो अच्छी बात यह है कि अनिल वाजपेयी ने माना कि ये ऑडियो क्लिप उनकी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक गरीब आदमी की सिफारिश कर रहा था। अब आप देखिए कि इसके अंदर कितनी बड़ी बात साबित हो जाती है कि उस गरीब आदमी की मैं सिफारिश कर रहा था जो एमसीडी को रिश्वत के लाखों रुपए नहीं दे पाई, इसलिए एमसीडी उसका मकान तोड़ रही थी। और मेयर की शिकायत कर रहे थे कि जिस जिसका पैसा पहुंच गया उस उसके मकान मेयर साहब बनवा रहे हैं, एमसीडी बनवाने दे रही है, और जिसका पैसा नहीं आया, जिस गरीब आदमी का पैसा नहीं आया, उसके मकान डिमोलिश किए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एमसीडी जो 2 दर्जन मकान अगर किसी एरिया में बनते हैं तो एक मकान के ऊपर डिमोलिशन करती है। ये मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ बात खोल रहा हूं। एमसीडी 24 मकान, अगर 2 दर्जन मकान कहीं बनते हैं तो एक किसी मकान के ऊपर कार्रवाई करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो आदमी है जिसने इनको पैसा नहीं दिया, जिसने इनको रिश्वत नहीं दी। और फिर जब उस गरीब आदमी का मकान टूट जाता है तो वो कहीं से उधार लेके किसी तरीके से इनका पैसा से जो है इनका पेट भरता है, और वो मकान भी जो है बन जाता है। तो हम आदेश गुप्ता, जो खुद एक पार्षद है, तो सब समझते हैं वो पार्षद को क्या काम करते हैं, और भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनसे भी सवाल करेंगे कि वे इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कि खुल्लम खुल्ला उनके विधायक ने सारी बातें जो हैं पब्लिक के सामने बताई है।